एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन कराम, और यकीनी तौर पर रमज़ान दस्तरखान से वापसी के बाद हमारा जो अगला सेगमेंट यकीनी तौर पर आप समझते हैं रहमत है मेहमान के नाम से है, और इसमें हम उन शख्सियात को मदऊ करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं शख्सियात का तारुफ कराऊं, मैं चाहूँगा कि हमारे वो तमाम करम फरमा, हमारे वो तमाम स्पॉन्सर्स जो इस पूरी नशरियात रब की नेमत है रमज़ान मेमन टी वी एच डी की खसूस रमज़ान ट्रांसमिशन को में हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे साथ यकीनी तौर पर शाना बशाना हमारे साथ हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, और हमारे पावर्ड बाई स्पॉन्सर्स में सिमरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके इस्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और तालु एसोसिएट, और हमारे वो तमाम करम फरमा हमारे डायमंड गोल्ड और सिल्वर स्पॉन्सर्स, और हमारे गिफ्ट हैंडर पार्टनर्स। गिफ्ट हैंपर पार्टनर्स, आज आप देख रहे हैं कि हमारे इस स्टूडियो की शान, हमारे बहुत सारे गिफ्ट चा बजा बिखरे पड़े हैं, तो आप समझ भी गए होंगे कि आज का हमारा ये प्रोग्राम खसूसी तौर पर यकीनी तौर पर एक ऐसी फील्ड और एक ऐसे शोबे से है जिसको हम गोबीज पेंट के नाम से याद करते हैं। एलाइट पेंट इंडस्ट्रीज़ की ये ब्रांड है, और आज ये ब्रांड सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि ये अब दुनिया भर में पाकिस्तान का नेशनल ब्रांड के तौर पर अपने आप को साबित कर रहा है। इसके लिए मजीद बातें भी होंगी, और कैसे ये ब्रांड कहां तक पहुंचा है इसके लिए भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आज मौजूद है, क्योंकि इस ब्रांड्स के रूह रवा डायरेक्टर सेल्स गोबीज पेंट और एलाइट पेंट इंडस्ट्रीज़ के मोहतरम जनाब अल्ताफ सखिया साहब मेरे साथ मौजूद है। सलाम भाई साहब, ऐसा बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, और इफ्तार के इस पहर में हमारे साथ आपका रहना हमारे लिए बड़े बाय से खुशखबरी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं आज, अगर रिश्ता देखें तो भाई साहब के बेटों की तरह हैं, उनके दामाद भी हैं, लेकिन इस कंपनी में इनका एक बहुत बड़ा किरदार है, और एरिया सेल्स मैनेजर तो हैं ही, इसके अलावा यकीन तौर पर भाई साहब के तमाम वो मामला भाई साहब के राइट हैंड हैं, और मैंने हमेशा इनको भाई साहब के साथ ही देखा है, ख्वाह वो इनका बिज़नेस मामला हों, ख्वाह उनके निजी मामला हों, ख्वाह इनको इस किस्म के किसी प्रोग्राम्स में भी आना हो। तो मेरे साथ मोहतरम यासीन इनी साहब मौजूद हैं। यासीन, वालेकुम सलाम। यासीन भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालने के लिए, और मैंने आगाज़ में मैं हमारे हर उस मेहमान का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे इस रहमत है मेहमान, क्योंकि रहमत मेहमान तो वैसे ही रहमत होते ही है, और आपका यहाँ इफ्तार के इस वक्त में हमारे साथ होना हमारे लिए बड़ा बाइस फ़ख्र होता है, हमारे हमें खुशाइंद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। भाई साहब, आगाज़ आपसे करूँगा, ज़िंदगी में कई नशीब व फराज़ देखे होंगे, आज अल्ताफ सखिया एक कामयाब डायरेक्टर सेल्स की हैसियत से मेरे सामने अगर बैठे हैं तो उन्हें कई नशीब व फराज़ देखे होंगे, कई अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, कई रमज़ानुल मुबारक देखे होंगे बचपन से लेकर अब तक। दोस्त हैं लेकिन तौर पर कुछ कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, कुछ अच्छे बुरे लोगों से वास्ता भी पड़ता है, लेकिन मैं आगाज़ करूँगा कि कैसे अल्ताफ सखिया आज एक कामयाब सेल्स डायरेक्टर के तौर पर अगर मेरे सामने मौजूद हैं, जिनका आगाज़ इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ किन इलाकों में किन लोगों के साथ गुजरी, और कैसे आज आप हमारे सामने बैठे हैं, बतदरीज मुझे बताते रहिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो जो बचपना जो होता है वो जिस तरह हर किसी का बचपना बड़ा शुगल में और दोस्तों यारों के साथ गुजरता है, इस तरह मेरा भी उसी तरीके से गुजरा। हम लोग लाइट हाउस की मेरी टडे कंपनी मेरी पैदाइश है, वहाँ से हमारे ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, उसके बाद स्कूल की लाइफ और फिर कॉलेज की लाइफ, उसके साथ फिर दोस्ती यारी भी साथ साथ चलती रही। अच्छा, तालीमी एतबार से अल्ताफ जो है वो, मैं भी अल्ताफ हूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ने में को बहुत ज़्यादा आगे नहीं था, सुना है अल्ताफ नाम के जो लोग होते हैं वो पढ़ने में ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वैसे और मामला में काफ़ी आगे चले जाते हैं। मैंने भी तालीम सिर्फ जो है ना बीकॉम तक ही की थी बस, वो भी बस ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद हमारे भाई जो हैं माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे भी थे और बहुत ऊंची पोस्ट के ऊपर भी, मतलब अब्दुल रजाक सखिया और जब्बार सखिया,
उनका एक नाम था मतलब बैंकिंग लाइन के अंदर, तो उन्होंने मतलब मेरे को कहा कि तुम तो शायद सेठ हो तो तुमको तो जॉब कर नहीं कर सकते, तो तुमको हम कोई बिजनेस करेंगे। गुड। तो 1976-77 में हमने अपना बिजनेस शुरू किया था, तो 4-5 साल तक तो हम काम करते रहे। किस चीज का ऐसा बिजनेस था वो? मैं केमिकल का और ये पाउडर्स वगैरह का, जोड़िया बाजार के अंदर। ठीक है। आप जैसे पता ही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सबसे बड़ा हब है, तो वहाँ पर हमने काम शुरू किया। लेकिन सारी बात, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर चाहिए होती है, दूसरा है कि वहाँ के लिए एक्सपीरियंस भी ऐसे चाहिए होता है, और मैं बिल्कुल नया नया उस एक्सपीरियंस में एक पार्टनर के साथ गया था जी जी, तो हमें इतनी वहाँ कामयाबी नहीं मिली। लेकिन फिर इसके बाद फिर 1981 के अंदर मैंने दाऊद ग्रुप को ज्वाइन किया। माशाल्लाह। दाऊद ग्रुप का तो नाम आपने सबको मालूम है, दाऊद यामाहा वाले बहुत बड़ा ग्रुप है। उसमें मैं डिस्कॉन के अंदर मैंने जॉब शुरू की थी, रजाक दाऊद के उसमें कंपनी के अंदर, डिस्कॉन में उनके बहुत सारी ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनी थी। तो हमारे GM साहब थे अमीन लतीफ, तो बस उनके मेरे पर मेहरबानी थी कि जो भी उनकी ग्रुप की कोई नई कंपनी आती थी तो वो मेरे को वो उसका काम देते थे, चाहे वो परचेस का हो, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो क्लियरेंस का हो, चाहे इम्पोर्ट का हो, चाहे वो टेंडर बिजनेस हो। तो वहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। हाँ साहब, यहाँ एक मिनट रोकूंगा, इस बात को मैं आगे जरूर बढ़ाऊंगा। कैसे एतमाद हासिल होता है, ये बड़ा ज़रूरी है हमारे उन बच्चों के लिए जो आजकल नई जनरेशन जो है ना, वो जो रातों रात कुछ बनने की कोशिश के अंदर जो है ना अपना बहुत कुछ खो भी देते हैं। ये एतमाद के आपके डायरेक्टर जो हैं या आपके जो मैनेजर हैं, वो आपको हर काम में पहल आपकी तरफ निगाह क्यों जाती है, इसकी वजह क्या होती है उस किसी खास एम्प्लॉय के अंदर? दो चीज़ें होती है इसमें जी जी, एक तो होती है सबसे बड़ी बात ईमानदारी, और दूसरी बात मेहनत और लगन। लगन, क्या बात है, क्या बात है। जिस तरीके से उनके जितने भी ग्रुप की कंपनियां थी, दाऊद मतलब रजाक दाऊद के जो अंडर में आती हैं, उसमें कोई भी कंपनी आती थी तो चाहे वो डिस्काउंट का बिजनेस होता था, चाहे वो डेल्टा का होता था, चाहे लाहौर साइकिल का होता था, सल्फा केमिकल का होता, बड़ी इनकी कंपनियां थी, कंज्यूमर प्रोडक्ट के नाम से इनकी कंपनी थी, तो जिसमें भी कोई ऐसा काम आता था तो मेरे सुबूत करते थे। हालांकि मेरे को कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये कि हमारे मैनेजर को ये था कि ये काम मैं इनको बोलूंगा तो ये करके देगा, यकीन था उनको, उनको यकीन था कि भाई ये कहीं ना कहीं से ये काम को निकाल देगा। सही। बस एक कॉल आती थी मेरे पास इंटरकॉम के ऊपर, जी अल्ताफ ये काम करना है, तो उसका कुछ पता भी नहीं होता था लेकिन ये कि फिर हम क्या बात है बाहर निकलते थे तो कुछ ना कुछ कर लेते थे। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रह गया। और वहाँ से फिर मैं तकरीबन डिस्काउंट की एक कंपनी थी, कंसल्टेंसी कंपनी थी, उसके अंदर सारे जो है ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह बनती थी और सारा होता था। फिर वो आगे या तो डिस्काउंट खुद कॉन्ट्रैक्ट लेती थी या उसको सेल करती थी, तो उसमें भी मतलब मेरा काफ़ी रोल था कि भाई कहाँ से सारी चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, मैन्युफैक्चर कौन है, इंडेंटर कौन है, कस्टमर कौन है, तो सारी चीज़ें मैं करता था। फिर हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं रजाक दाऊद साहब, वो उनका ताल्लुक था लम्स से भी और पंजाब यूनिवर्सिटी से भी, तो MBA वहाँ पे जितने आते थे वो अपने इंटर्नशिप करते थे जी हाँ। तो वहाँ कराची आते थे तो उनकी उनको मेरे साथ भेजते थे, तो उससे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। Good. और वो मेरे साथ सीखते थे, मैं उनसे सीखता था, समझ रहा सीखना तो आपका तजर्बा और उनके एजुकेशन मिल जाती थी। हाँ। क्या बात है। तो आस्ता आस्ता अल्लाह ने काफ़ी पहुँचाया। बहरहाल तालीम की कमी तो रहती थी हर वक्त, तालीम के बगैर तो आदमी मुकम्मल नहीं, जितना भी तजर्बेकार हो, जितना भी कुछ हो, और आज तक मेरे को कमी महसूस होती है तालीम की। क्या बात है, ये बड़ी अहम बात। मैं यहाँ रोकूंगा नाज़रीन कराम, हम सम टाइम खास तौर पर मैं मेमन कम्युनिटी से मुखातिब हूँ कि पाँच समझू था कि बस हाँ घर जो बिजनेस मिली हुई है ना, कड़े इस्टेब्लिश बिजनेस भी मिली हुई है, तो हाँ पाँ के पढ़ने की क्रोध जरूरत है, हाँ तो पाँ इनमें से जो है कम का अज्ञान वधाई सीखू था, पाँ रुपया कमाई सीखू था। लेकिन हाई साहब ये फरमा रहे हैं कि आज तक एक इस्टेब्लिश वेल इस्टेब्लिश बिजनेस है जो दुनिया भर में है, लेकिन वो कहते हैं कि वो एजुकेशन अगर मैं शायद उस वक्त थोड़ा सा कदम उसमें जमा लेता तो आज मुझे ये रिग्रेट ना होता कि एजुकेशन की कमी को मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने नौजवानों के लिए की है। बस सर वहाँ पे तकरीबन मेरे दाऊद ग्रुप के अंदर 11 साल निकल गए, तो बस थोड़ा सा मस्ती मेरे को हुई कि अब 11 साल यहाँ पर हो गए हैं और किसी की सिफारिश से मैं यहाँ पर आके जॉब मैंने की है, मेरे भाई की सिफारिश को मेरे को जॉब मिली थी, तो मैंने कहा अपनी भी थोड़ी सी अपनी देखेंगे हमारी अंदर वर्थ किया है हमारी। तो ऐसे ही बगैर किसी प्लानिंग के मैंने रिजाइन किया
रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, फिर मैंने रिज़ाइन किया, मेरे को एक ऑफर आई ये अपने गोविंदपेंट की तरफ से जी जी, तो मैंने चलो भाई अब अपने ब्याह पे भी कुछ करके देखेंगे हमें क्या मतलब हमारे अंदर है। तो एक इत्तेफाक था किसी की डेथ के ऊपर, वो यहाँ पर रहते हमारे जो हमारे क्लाइंट थे ये गोविंदपेंट वाले, हमसे केमिकल लेते थे, रेजिन लेते थे, वो यहाँ पे लाहौर से कराची आए थे, तो उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को ऑफर करी, तो मैंने पहले तो एक्सेप्ट नहीं करी ऑफर। कौन से सन की बात होगी? 1992 की, ठीक है। 92 में आपने जो है, 92 में मैंने ज्वाइन किया, उस वक्त उन्होंने कराची में नया नया काम शुरू किया, तो 3-4 महीने हुए थे उनको काम शुरू किया, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर कुछ मेरा कुछ ताल्लुक थे केमिकल के हवाले से, सारी पेंट फैक्ट्रियों वगैरह से भी, तो कुछ हमारे दोस्त यार से भी कुछ ताल्लुक ऐसे थे कि जो पेंट की लाइन को थोड़ा बहुत जानते थे जी, तो उनसे मैंने थोड़ी बहुत मदद ली और काम शुरू किया। उस वक्त 3-4 कंपनियां बड़ी उसके बाद फिर शुरू शुरू में तो बड़ा टफ था भाई साहब। अब इस कॉम्पिटिशन को मैं जरूर आपसे समझने की कोशिश कर, इस कॉम्पिटिशन का तोड़ आपने अपने तजुर्बे से क्या निकाला? क्योंकि मेरे दूसरे मेहमान यासीन सिद्दीक नीनी साहब भी मेरे साथ मौजूद है, मैं जरूर चाहूँगा कि कुछ थोड़ी सी गुफ्तगु इनके साथ भी रहे। और कॉम्पिटिशन्स जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मुकाबला होता है शायद इसी में आपको अंदाज़ा होता है नाज़रीन कराम, ख़ास तौर पर नौजवानों से मैं मुखातिब हूँ, कि जब मुकाबला होता है तो पता चलता है कि आप में कितना दमखम है और शायद इसको कैसे निपटाए। या इस साहब के लिए मैं कुछ देर के लिए ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं हमारे मेहमान यासीन से बात करूँ। यासीन, नो डाउट ज़िंदगी के नशे वो फ़राज़ आपने भी देखे, हाई साहब से जो तजर्बा आपने अब तक हासिल किया होगा ये किसी से ढका छुपा नहीं है, क्योंकि जितना आपका इनका कुर्ब है बेटे की तरह वो आपको रखते हैं, और आप भी आपने हमेशा अपना बुजुर्ग ही समझा है। ओवरऑल कैसे यासीन की लाइफ के नशे वो फ़राज़ थोड़े से अगर बयान हो जाए यहाँ पे नौजवानों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सारे मामला तो ऐसे हैं कि सारी लाइफ बिल्कुल टाइट निकली है, बचपन से लेकर कुछ जवानी तक, कि किस तरह ये सफ़र करना, किस तरह ये क्रिटिकल करना, मामला को देखना, वालदा वाली साहब भाई बहन नीचे से ऊपर आना, ये सफ़र बहुत आसान नहीं है, स्ट्रगलिंग, इसके लिए स्ट्रगल करना, मेहनत करना, क्या बात, और अपने दिल को मजबूत रखना सबसे बड़ी बात है। फिर माँ बाप का ख्याल रखना, ये उनकी बदौलत ही सब कुछ आज जो सिला मिला है वो ये है जो मैं खुद बैठा हूँ। अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, अगर इनका साथ, इनका ख्याल, इनकी दुआएं साथ में भाई बहन वगैरह ना होते तो आज ये कुछ ना होता। गोबीज के साथ आपका एक्सपीरियंस नो डाउट, कितना अर्सा हो गया आपको गोबीज के साथ? मुझे अभी 5 साल हो गए, 5-6 साल मेरा हो गया, 6ठा साल मेरा है। 2018 में मुझे आदि साहब के शादी में हम वर्किंग पे निकले थे दुकान लेने के लिए, क्योंकि मेरा बेसिकली मेरा दूसरा काम था जी जी, क्योंकि मेरा गोल्ड का भी काम है, मेरा बाइक का काम रह चुका है, थोड़ा बहुत मैं प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ। तो इस हवाले से फिर आजी साहब ने बोला यार आप गोल्ड का काम करते हैं, थोड़ा ये गोभी स्पेंड में भी आके देखो, तो ये काम करके देखो किस तरह लगता है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम पहले मैं उठता था 2 बजे उठता था भाई बिल्कुल, क्योंकि खड़ा था रात को 4-5 बजे सोना है, बिल्कुल इस तरह कोई डिसिप्लिन हमारी लाइफ में नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं था बिल्कुल। और आजी साहब ये बिल्कुल सख्त कि बिल्कुल मेरे वाले साहब की तरह आपको सोना है, ये कौन सा तरीका है, किस तरह आप अपने आप को वो कर रहे हो, कहीं भी इमेज में बिजनेसमैन में कहीं भी बातें होंगी बोले ये 4-5 बजे सोना ही क्या है, सही बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद रूटीन को आपने, मतलब गोबीज में सबसे बड़ा फायदा, अगर बहुत सारे फायदे हुए तो एक फायदा ये हुआ कि आपकी लाइफ डिसिप्लिन आ गया, 100% चेंज हो गई। ओहो, मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि यासीन वो यासीन नहीं रहा, पूरा चेंज हो गया, गोबीज ने पेंट कर गोबीज ने पूरा चेंज कर दिया, कहते हैं आजी साहब ने पूरा रंग लगा दिया, क्या बात है, आई साहब के रंग में रंग, आई साहब के रंग में रंग है, क्योंकि मेरे वाली साहब भी है, मेरे दोस्त भी है, मेरे साथी भी है, मेरे सुख दुख के साथ हर चीज है, क्या बात, क्योंकि मेरे वाली साहब की डेट भी 2015 में, तो कहते हैं ना अल्लाह पाक ने एक और मुझे मेरे वाली साहब जो मुझे अता कर दिया, जिसे कहते हैं कल भी हमारे मेहमान ने कहा कि फादर बाय चॉइस, चॉइस यानी कि आपको अब जो है ना कि ऐसे रहनुमा और ऐसे सरप्रस मिल गए। मैं कहता हूं कौन सी मेरी नेकी थी जी जी, जो अल्लाह पाक ने मुझे दूसरा तोहफा था फरमाया, क्या बात है। तो इस बार जो अब जो आपका जर्नी है
मेरा ख्याल है कि शायद आपके चेहरे से, आपकी वलवले से और आपके जो अंदर से जो देखे ना कुछ बातें ऐसी होती है चेहरे से आया हो जाती है, जो दिल से निकलती है बात ना वो लगी लिपटी नहीं होती। तो इससे लगता है कि शायद अपनी जिंदगी से अब तक की लाइफ से आप बहुत मुतमईन हैं। मैं बहुत मुतमईन हूँ, क्यों कि अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, जितना शुक्र अदा करें उतना कम। सबसे बड़ी बात है कि नियत साफ होनी चाहिए, क्या बात, हर काम के लिए नियत साफ मज़ीद आसान। नाज़रीन इकराम, सुन रहे हैं आप यासीन सिद्दीक नीनी को कि नियत साफ मज़ीद आसान। ख़ास तौर पर इन्होंने जो एक बड़ी अहम तरीन बात की है, जो रमज़ान मुबारक में कई दुरुस में कई बयानात में हम सुनते रहते हैं कि माँ बाप और बुज़ुर्गों की शफकत और उनकी दुआएँ आपकी राह के वो तमाम कांटे चुन लेती हैं। शायद उनको वो कांटे लग जाएँ लेकिन हमारे बच्चों को वो कांटे ना लगे, ये होती है उनकी शफकत। तो नाज़रीन वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इस खूबसूरत गुफ्तगू को जो मोहतरम अल्ताफ़ सखिया साहब और यासीन नीनी के साथ जारी है उसको जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर खुश आमदीद, रहमत है मेहमान के इस सेगमेंट में। और वक्फे पे जाने से पहले हाई साहब को मैंने एक जगह पे रोका था, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि कॉम्पिटिशन्स जब मुकाबले का रुझान होता है तो उस मौके पर क्या स्ट्रेटजीज होती है। हाई साहब जब आपने कदम रखा था और जब कराची की भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई, नो डाउट कि आपका अपना एक वास्ट एक्सपीरियंस था इस फील्ड का, लेकिन पर्टिकुलरली पेंट पर आना और फिर इतने बड़े बड़े जॉइंट्स जिसको हम कहते हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड्स भी यहाँ मौजूद थे, लोकल ब्रांड भी इस लेवल के कि नो डाउट उनको बीट करना, आप खुद कह रहे थे कि उसके बगैर दुकान खोलना मुश्किल था, उसके लिए एक स्ट्रेटजी आपने इनिशियली स्ट्रेटजी या क्या जहन में सोच करके आपने इसको आगे बढ़ाया। सबसे पहले तो किसी ब्रांड को चलाने के लिए जो है कि सर्विसेज बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, कि भाई कस्टमर को डीलर्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है, उसको सर्विस दी जाए। फिर इसके बाद क्वालिटी होती है कि भाई अगर हमारी प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो वो खुद ब खुद जगह बना देती है। फिर इसके क्वालिटी के साथ पॉलिसी है, अगर आपकी पॉलिसी सही है कि आपकी मतलब प्रोडक्ट सही रेट के ऊपर मार्केट में बिकती है, कोई कंपटीशन में नहीं जाती, तो उससे भी जो है ना वो एक कस्टमर को कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, तो उसके ऊपर वो मेहनत भी करता है। बिल्कुल सही। और बाकी जो होते हैं मतलब बाकी मार्केटिंग के जो लवाजमात होते हैं वो सब करने पड़ते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज है, पब्लिसिटी है, वो सब साथ के साथ करने से। देखिए शुरू में तो ज़रा ही कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी ना, उनके मतलब इतने कोई वसाइल थे शुरू में, तो शुरू के तीन चार पाँच साल तक तो मैं अकेला ही सारा हैंडल करता था, चाहे वो मार्केट हो गई, चाहे बिल्डर हो गए, चाहे वो मार्केटिंग हो गई, खुद ही जाके जो है वो अपने कस्टमर को डेमो कराना सब कुछ कराना, उसकी खुसूसियात बताना, मार्केटिंग करना, डीलर्स के पास जाना, सब कुछ करना। तो आस्ता 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 अल्लाह ने हाथ पकड़ा, बस माँ बाप की दुआएं थी। भाई साहब मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस, उससे कई नौजवान जो है ना हमारे वो दिल तोड़ देते हैं, अपनी आस खत्म कर देते हैं। वो मैं आपसे यकीन तो आप कुछ जगहों पे आप गए होंगे, वहाँ आपको रिस्पांस नहीं मिला होगा, बल्कि रिस्पांस तो दूर की बात है, शायद आपको सही तरह से ट्रीट भी नहीं किया गया होगा, ऐसा भी होता है लाइफ के अंदर। तो वो एक्सपीरियंस जो है अल्ताफ सखिया ने कैसे झेला, क्योंकि इसके बाद हमारा नौजवान अपनी इज्जत नफ्स को ज़रा ज़्यादा वो जो है ना टारगेट करना शुरू करता है, जबकि ये इनिशियल स्टेज पर तमाम ही बड़े टाइकून्स को इनिशियल स्टेज पर ये सारे चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। नहीं वो तो बिल्कुल ही करनी पड़ती, मेरा कोई ज़रूरत ज़्यादा करनी पड़ी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी एक प्रोडक्ट जो थी ना वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जी जी बिल्कुल। तो जो रेट वगैरह भी थे, जो बड़ी कंपनियाँ जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ थी उसके बराबर ही रेट थे, तो उस रेट के ऊपर माल बेचना, तो इस तरह हमारे जिसके पास में ज़्यादा था डीलर के पास या बिल्डर के पास, वो कहते थे आपका दिमाग खराब है, आप
इस रेट के बारे माल लेके आए, ये तो मल्टीनेशनल कंपनी के बराबर आपने रेट दिए, और जो पुरानी पुरानी कंपनी के बराबर हम आपका माल क्यों लें, हम रिस्क क्यों लें? तो मैं ये बताता था कि भाई देखें जी, आप पाकिस्तानी कंपनी को थोड़ा सपोर्ट करें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि रिस्क लेने की, ना तो कोई ये खाने की चीज़ें ना कोई ऐसी चीज़ें। एक जगह हमारे बिल्डर थे, बहुत अच्छे बिल्डर थे, उन्होंने मेरे को यही बात करी थी कि हम रिस्क लें। मैंने कहा देखें, आप किसी होटल पर जाके खाना खाते हैं तो आप खाना खा लेते हैं, वो आपकी जान के ऊपर असर पड़ता है। पेंट ऐसी कोई जान लेने की चीज नहीं है, पता चल जाएगा ना। दूसरी बात है कि उसके अंदर कोई सरिया है ना कोई सीमेंट है जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी। पेंट ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो एक आपको साल के बाद दोबारा कराना पड़ जाएगा। जी जी, उसके हम गारंटी देते हैं, जब आपको 3 साल तक या 5 साल तक आपका पेंट खराब हो तो मतलब क्वालिटी की गारंटी हमारी लगाना आपका काम। बाकी कोई जान ले चीज तो है बिल्कुल ऐसे नहीं, ताकि फिर इस तरह आस्ते आस्ते ये मार्केटिंग का बड़ा अहम तरीन टूल। मुझे तो पता चला कि वाकई पेंट इंडस्ट्री में आप ये कह सकते हैं कि सरिया सीमेंट नहीं है कि आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी, कलर गिर जाएगा, ऐसी गारंटी हमारी। तो बाकी इस तरह डीलर के पास जाते थे तो डीलर भी ये कहते थे कि जी आपका माल इतना महंगा मतलब महंगा मेल लेके माल बेचें कैसे। पाकिस्तान की वाहिद पहली कंपनी है जिसने बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ, मैं हम नाम तो नहीं ले सकते मीडिया के ऊपर, उनसे हमने मुकाबला किया, और उसके बाद आज पाकिस्तान में अंदर कोई 100 के करीब कंपनी ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी ऊंचे रेट पर माल बेच रही हैं। क्या और इसका ट्रेंड जो है गोविंद ने दिया, हमारा एक लोगो था ट्रेंड सेटर, गोविंद पेंट एक नए से नए ट्रेंड लेके आता था। क्या बात है। और दूसरा वाला और दुनिया और जो और लोग जो है उसको फॉलो करते थे। दूसरा हमारा एक लोगो था सबसे अच्छा सबसे महंगा, तो लोग बोलते थे यार महंगा कह रहा आपका बिकेगा कैसे, लेकिन वो हमारा लोगो था सबसे अच्छा सबसे महंगा, वो भी हमारा बहुत बड़ा क्लिक हुआ। क्या बात। हमने हमेशा क्वालिटी के ऊपर तवज्जो दी, सर्विस के ऊपर तवज्जो दी, सर्विस हम अच्छी देते थे, क्वालिटी हम अच्छी देते थे, और अल्लाह ने हमें कामयाब किया। बस आप बुजुर्गों की दुआएं थी। और ऐसा एक बड़ी अहम तरीन बात नो डाउट मुझे लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, क्योंकि आप जहाँ भी बैठते हैं अपने एक हल्का असर बना लेते हैं, अपना हल्का अहबाब बन जाता है आपका, और आप मैं कई सोशल तकारीब में भी आपको देखता हूँ, खैर आपके सोशल एलिमेंट पर भी मैं गुफ्तगू करूँगा, लेकिन टीम बिल्डिंग कितनी ज़रूरी होती है। अकेला अल्ताफ़ सखिया शायद इतनी बड़े इस काम को इनिशियली तो करना पड़ता है, जब ये गेम आगे बढ़ता है तो अच्छे अच्छे लोगों को चुन चुन कर अपनी टीम का पार्ट बनाना पड़ता है। बिल्कुल। ये टीम बिल्डिंग का जो तुर्रा है ना, वो यकीन तौर पर आपको जरूर आता होगा, क्योंकि जो आपका पास एक्सपीरियंस था वो जरूर काम आया होगा आपको। जी बिल्कुल। देखें, टीम के बगैर तो गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। एक गाड़ी के टायर 4 टायर होते थे भी गाड़ी चलती, 3 टायर के ऊपर भी गाड़ी नहीं चलती। तो आस्ता 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 हमने भी सर्च किया मार्केट के अंदर, हमने 6 जो वो थे हमने एम्प्लॉय हमने रखे। 92 में जब मैंने काम शुरू किया था, 81 के अंदर ये फैक्ट्री लगी थी, 92 में काम शुरू किया था, तो हमारे जो ऑनर थे मलिक आसिफ साहब जिन्होंने ये फैक्ट्री लगाई थी, उसके साथ मैंने काम शुरू किया था 92 में। इसके बाद फिर उनका इंतकाल हो गया 2004 के अंदर, फिर उसके बाद उनके पार्टनर के साथ मेरा सिलसिला शुरू हुआ। जी जी। अब वो भी रिटायर हो गए, अब उनके उनके साले उनके पार्टनर थे जो भी हमारे जो ओनर हैं उनके मामू थे। 2015 तक मैं उनके साथ रहा, अब 2016 से उनके जो हमारे जो ओनर थे उनके बेटे के साथ मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। तो एक तीन अलग अलग मिजाज के साथ, तीन अलग अलग मिजाज के साथ मैं यहाँ पे यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या बात है। ये बड़ा अहम तरीन उत्तर है कि वहाँ पे 4 तब्दीलियाँ हो गई हैं। 32 साल मेरे में 32 साल में 4 तब्दीलियाँ, 4 ओनर से आपका वास्ता पड़ा। यकीन तो हर इंसान का अपना एक मिजाज होता है, अपनी एक तबीयत होती है, अपना एक विजन भी होता है, उन सबको इवेल्यूएट करके बैलेंस करके चलना भी एक बड़ी कला होती है, एक फनकारी है। माशाल्लाह सारे जो भी आए मेरे साथ बड़े कॉपरेट सबने किया है, बड़े अच्छे तरीके से किया है, पूरे मेरे को पावर दिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कामयाबी में ये है कि मेरे को किसी चीज़ के लिए पूछने की जरूरत नहीं थी। क्या बात है। जो भी मैंने काम करना है मैंने खुद ने करना है, और मेरी पॉलिसी चलेगी, मेरे हर चीज़ मेरी चलती थी। तो मैं इससे ये होता था कि मैं फौरन जाना, जो डिसीजन लेना था मैं डिसीजन, हमें हमारी कामयाबी में एक ये बड़ा सबसे बड़ा राज कि फ्रीडम आज़ादी थी। दूसरी कंपनियों में अगर जैसे मल्टीनेशनल कंपनी या दूसरी नेशनल कंपनियाँ थी, उसमें ये था कि एक पॉलिसी या एक बात करनी थी तो बोलते थे जी मैं पूछ के बताऊं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेगा वो इस पे डिसाइड करेगा, पूछ के बता करेगा। हमें उसी एट द टाइम हम डिसीजन मैं डिसीजन लेता था, और मेरे को फुल पावर दिया हुआ था हमारे मालकान ने। हमारे मालकान भी लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैंने ऐसे मालकान खुले दिल के भरोसे करने वाले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ये पूछा करता भाई आपने ये खर्चा क्यों किया। क्या बात। कुछ भी नहीं,
आज तक कोई इस किस्म का सवाल हमसे नहीं किया गया। हाँ साहब, फिर ये आपको जो फ्रीडम मिली, आपने यकीन तौर पे इसको आगे भी ट्रांसफर की होगी, तभी टीम बनी है। बिल्कुल बिल्कुल किया हुआ है। मेरे नीचे तकरीबन पूरे मतलब 4 मैनेजर हैं, 6 ऑफिसर हैं, पूरे इसके अलावा कोई बैक सेलर हैं, मतलब पूरी तकरीबन 25-30 लोगों की टीम है मार्केटिंग की। माशाल्लाह, गुड। हाँ, तो अब तो माशाल्लाह सब अपना अपना काम कर रहे हैं और हम बस सिर्फ ये कि देखभाल करते हैं कि भाई सारा काम सही हो रहा है बस। अच्छा, एरिया सेल्स मैनेजर तो आप हैं ही, इसके अलावा भी एक बड़ी जिम्मेदारी किसी भी ब्रांड को, और फिर आज साहब के एतमाद पर पूरा उतरना भी एक बड़ा जो है ना जान जोखिम का काम है। क्योंकि आज साहब बड़े इस मामले में यकीन तौर पर, क्योंकि क्वालिटी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली जिन्होंने कस्टमर सर्विस का इंपॉर्टेंट रोल आपने प्ले किया, और एरिया सेल्स मैनेजर नो डाउट एरिया को, अपने पर्टिकुलर एरिया को कवर करना और इसमें वो तमाम सहूलतें पहुँचाना जो आपके क्लाइंट को या आपके कस्टमर को या आपके दुकानदार को चाहिए होती है, इस पर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? इसके लिए तो आप समझे कि बिल्कुल रात दिन नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हमें डीलर को सर्विस देना ये हमारा काम है। हमारी ब्रांड की जीत ये होती है कि हम जब तक सर्विस नहीं देंगे और क्वालिटी के मेयार को भरपूर नहीं रखेंगे ना, ये हमारी जीत नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि डीलर के लिए हमें कभी कभी गेलन लेना पड़ते हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, बिल्कुल हर मामला में, चाहे हम औरंगी में हों वो कोरंगी में हो डीलर हमारा, तो उसके लिए हमें उसके लिए प्रोवाइड करना ज़रूरी है, चाहे वो कितना भी माल हो, सेजोर का माल हो, रिश्के का माल हो, चाहे राइडर का माल हो, चाहे क्यों ना विदन 2 गैलन्स भी क्यों ना हो, चाहे 1 गैलन भी क्यों ना हो, क्वार्टर भी ना हो, क्योंकि हमें कहते हैं कि हम आपको कहीं ना कहीं से हम आपको अवेल करवा के देते, क्योंकि कंज्यूमर को हमें खाली नहीं भेजना। जब कंज्यूमर पसंद करके जाता है उसी डीलर से, तो उसको उसके वहाँ पर माल देना ज़रूरी है। अब माशाल्लाह गोभी को, खैर मैं कोई तादाद नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन जब आपने 5 साल पहले ज्वाइन किया और अब आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ग्रोइंग जो स्टेज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता जब माशाल्लाह, क्योंकि 5 साल पहले मैं एजेंट इसमें अपनी दुकान पे था, मैंने एक शॉप खोली थी अपनी एम एच पेंट के नाम से, मेरी 6 नंबर चेक पोस्ट के पास मेरी शॉप अभी भी अवेलेबल मौजूद है। एम एच पेंट जो मेरे बेटे के नाम से, क्या बात है। तो वो शॉप मैंने खोली, उस शॉप से मैंने काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मजा आया, क्योंकि बेसिकली मेरा दूसरा काम तो मेरा चल ही रहा था जो मैं काम कर रहा था, मगर इस काम में मेरी जस्तजू और लग गई, मेरी लगन लग गई। जब मैं किसी चीज़ में लगता हूँ ना, तो उसको मैं भरपूर लगता हूँ। क्या बात, कि उसको आखिर इन तक करना ही करना, काम करना है। एक साल पूरा काम को समझा किस तरह क्या होता है, क्या काम होता है। आदि साहब ने मुझे एक जगह बिठाया कि भाई काम आप सीखो, काउंटर पर बिठाया अलग कि काम कैसे होता ही है। तो वहाँ मैंने सिर्फ 3 दिन काम किया, चौथे दिन आदि साहब वहाँ चले गए अचानक पूछने के लिए, भाई क्या कर रहा है ये लड़का, क्योंकि समझा तो उधर डीलर ने बोल दिया कि भाई ये तो चला गया, मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि काम करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, आजी साहब ने मुझे रात को कॉल की, भाई क्या किया, बात ख़राब कर दी, तुम गए नहीं कि कोई काम होगा, कैसे करोगे? मैंने आजी साहब आप छोड़ दो, बस अब मैं दुकान खोलनी है और मेरा काम है कैसे करना है, इसके बाद दुकान खोली, बस दुकान चाहे लॉस कर नफा करना है, उसको मैंने अपनी जुस्तजू बनाई और अपने काम को, दुकान को मैंने खड़ा कर दिया। 5 साल मैंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा, जिस तरह जो आजी साहब ने सोची थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। उसके बाद फिर जिस तरह आजी साहब से मेरे बात है, इसी तरह हमारे जो CEO हैं जी मलिक, उमर आसिफ मलिक साहब, उनसे मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ, उनसे बहुत अच्छे रिलेशन बने, उनसे बात बनी, तो वो मुझे अच्छी तरह जानते थे कि यासीन तुम काम को किस तरह करते हो, मेरे काम का करने का तरीका एक दूसरा पॉइंट है, कस्टमर को देखना, कस्टमर को किस तरह का माल चाहिए फेस करना, बाकी अलग दूसरे मेरे 3-4 काम को देखते थे ना, वो पता चला कि यासीन तुम क्या काम करो, क्योंकि दिमाग नस जो थी ना एक खुली हुई थी कि काम क्या करना है, क्योंकि गोल्ड का भी काम किया है, बाइक का भी काम किया है, शोरूम में गाड़ी को लेना, मंझे हुए सारे काम किए कि क्या स्टॉक का काम किया है, स्टॉक में क्या काम, शेयर कैसे लेते थे, कैसे बेचते थे, पहले एप्लीकेशन कैसे आती थी, समझ रहा हूँ, दुआ करती थी। फिर इसी तरह सऊदी अरब गया मैं नौकरी पर, तो वहाँ मैंने 1.5-2 महीने काम किए, तो जब मैंने देखा कि कोई चीज कहीं नहीं होती ना, तो बहुत सारे काम करके एक दिमाग एक फ्रेश माइंड हो चुका था। अब मेरा ख्याल है कि वो तमाम आपके एक्सपीरियंसेस, ख्वाह वो छोटे हों या बड़े हों, दुनिया पाकिस्तान के हों या दुनिया में किसी और मुल्क के हों, वो आपको जरूर काम आ रहे हैं। हाँ, मुझे काम आ रहे थे, वो पॉइंट बहुत काम आते। कभी कभी बोलते ना यार काम नहीं किया, जुस्तो जो नहीं होती थी, तो बोलते यार यासीन काम नहीं है, जो अल्लाह की रजा उसी में बेहतर है, मैंने अल्लाह पाक जो मेरे हक में बेहतर हो तो मुझे वो लाइन आप दे दो। बिल्कुल, जो अल्लाह की रजा जिस काम में हो और बंदा अगर उसी रजा पर अपने आप को कनात पसंदी के साथ आगे बढ़ा दे, तो यासीन की ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अल्लाह की रजा में राजी करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, स्ट्रगल अपनी नेक नियति के साथ और अपनी ईमानदारी के साथ और अपने काम के साथ लॉयल रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है। भाई साहब, अब ये ब्रांड जो है माशाल्लाह से पाकिस्तान का ब्रांड नहीं रहा,
अब ये यूके तक पहुंचा है, पाकिस्तान का ये एशिया का पहला ब्रांड है जो कि यूके तक पहुंचा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे आने वाले दिनों में इटली यूरोप तक भी गया है, आगे आने वाले दिनों में कतर और सऊदी अरब यानी कि गल्फ एरियाज तक भी जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जर्नी जो है कैसे देख रहे हैं और कितना इत्मीनान एक एक जो है डायरेक्टर सेल्स को होता है उस वक्त जब वो देखे कि मैं एक छोटी सी कंपनी के हर हर दुकान पर जाकर जो है मैं दस्तक दिया करता था, कहीं कोई लेता था कोई नहीं लेता था, कई सवालात भी उभरते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रांड, तो कितना अपने आप को मुतमईन समझते हैं या अभी भी स्ट्रगल और भी बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी तरक्की दी इस कंपनी को, लेकिन इसके पीछे हमारे जो मरहूम मलिक आसिफ साहब हैं उनका बहुत बड़ा विजन था कि मैं इस कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बनाऊँगा। तो उनकी ज़िंदगी में तो ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ, लेकिन इनके इंतकाल के बाद जब से 2016 में इनके बेटे ने उमर आसिफ मलिक ने ये चार संभाला कंपनी को संभाला, तो उनका ये विजन था कि मैं अपने बाप की जो है ना ख्वाब को मैंने में पूरा करूँगा। तो वो बड़े जस्तजू करते रहे, काम भी करते रहे, और अभी माशाल्लाह पहले सबसे पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका में कीनिया में एक्सपोर्ट किया, इसके बाद लंदन में एक्सपोर्ट किया, फिर एक जॉइंट वेंचर के अंदर इटली के अंदर फैक्ट्री लगाई है, इटली से पूरे यूरोप ममालिक के अंदर माल एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वो अलग दूसरा ब्रांड है, वो भी नहीं है, वहाँ का इटली का एक लोकल ब्रांड है वही आगे एक्सपोर्ट होता है, खासतौर पर इसके जो अंदर जो वहाँ की जो स्पेशलाइज कलर वगैरह हैं, जो टेक्सचर वगैरह होते हैं, टेक्सचर पेंट वगैरह सारे जो है ना वहाँ से बन के आगे एक्सपोर्ट होते हैं। तो इस तरह सऊदी अरब में भी एक्सपोर्ट का सिलसिला शुरू हुआ है, कतर में बातचीत चल रही है, बल्कि कतर में शायद माल जा भी चुका है। तो ये सिलसिला दुनिया भर में पहुंचने का जारी है। अब डेकोरेटिव के साथ साथ हम एनसी के अंदर भी इंडस्ट्रियल पेंट के अंदर भी आ गए हैं, माशाल्लाह एनसी में भी हमारा बड़ा अच्छा काम चल गया है, इंडस्ट्री में भी हमारा बड़ा अच्छा काम हो गया है, और अब माशाल्लाह पहले हमारी एक फैक्ट्री थी छोटी सी, आज माशाल्लाह वो फैक्ट्री भी बहुत बड़ी हो गई है, तकरीबन 5 एकड़ के ऊपर है माशाल्लाह, और अब पिछले साल अगस्त के अंदर हमने कराची के अंदर अपना दूसरा ब्रांड लगाया है, वो भी माशाल्लाह उसी साइज का यहाँ पर हमने लगाया है। ये कब से ऑपरेशन पे आ जाएगा? ये आ चुका है अगस्त में। अच्छा माशाल्लाह। कराची में पाकिस्तान में वाइट कंपनी है जिसके दो इतने बड़े मैन्युफैक्चरर प्लांट है। क्या बात है। हाँ, एक उसका लाहौर में भी है, दूसरा कराची में। बहुत बहुत मुबारक हो, ये हमारे लिए हम सबके लिए नई बात है कि गोभी इसका एक नहीं दो प्लांट है, और दोनों ही अपनी नौयत के बड़े हुजूम जिसे हम कहते हैं कि एक बड़ी कंपनी का जो प्लांट होता है। भाई साहब इस दुआ के साथ के सबसे पहले तो उन आपके आपके वो डायरेक्टर्स जो आज आपके साथ नहीं है जिन्होंने ये सब ख्वाब देखा था, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के वसीले से उनकी मगफरत फरमाए, उनको अपने जवान रहमत में जगह अता फरमाए, और उनके ख्वाब को उनके बेटे पूरा कर रहे हैं आप जैसे लोग, और नो डाउट यासिन इनी जैसे आपके सपूत जो हैं वो इनको और आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर में प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले यकीन तौर पर मैं चाहूँगा कि मेमन टी वी की ये कोशिशें, अली गोडल की जो काविशें कोशिश वो भी इसी अंदाज से जिस अंदाज से आपकी ग्रोइंग हुई है, मेमन टी वी भी आपके सामने थी, मेमन टी वी HD जो है आप ही की तरह आगे बढ़ा है, और आज अली गोडल अल्हम्दुलिल्लाह मेमन ब्रदरी का ही नहीं बल्कि कराची का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है हमारा मीडिया हाउस, कैसे देखते हैं आज का इंटरव्यू? तो मेमन टीवी के शुक्रिया के साथ, और मेमन टीवी का हमारे अली गोडल के शुक्रिया के बगैर तो इंटरव्यू पूरा ही नहीं होता था। माशाल्लाह अली गोडल को मैं पिछले 4-5 साल से जानता हूँ, जिस तरीके से मैंने अपना करियर शुरू किया था अली गोडल ने भी उसी तरह करियर शुरू किया था, जब मैं शुरू शुरू में 5-6 साल पहले दिखता था, और आज मैं देखता हूँ तो माशाल्लाह ये दी मेमन टीवी भी एक ब्रांड बन चुका है। अभी सोशल मीडिया या उससे हटके मैं समझता हूँ ये अनकरीब जो है ना नेशनल लेवल पे भी आ जाएंगे, और इंशाल्लाह बहुत ही मतलब मेहनत भी कर रहा है। पहले तो एक मेमन टीवी जो था सिर्फ एक मेमन कम्युनिटी के वाले लोग देखते थे, लेकिन अब मेमन टीवी में काफ़ी पॉपुलर हो गया, हर कम्युनिटी इसमें अब शामिल हो गई है, और उसको मतलब पजीराई मिल रही है। और ये अली भाई की बहुत बड़ी मेहनत है, इनकी माँ की दुआएं, बस इनकी अम्मी का आज थोड़ा सा वो एक्सीडेंट कुछ हो गया है जी जी। तो आज उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही, और अल्लाह ने अम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती दे, रमजान की बरकत से, और अली भाई को सबर दे, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी खिदमत करने का मौका दे, और बाकी अल्लाह अली भाई को कामयाब करे। दोबारा एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि अली भाई ने भी हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है, और जहाँ हमें जरूरत जहाँ हमने महसूस किया हम अली भाई के साथ चलेंगे, और दोनों मिलके गोभी फ्रेंड को भी आगे बढ़ाएंगे और मेमन टीवी को भी आगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आई साहब की इस करम नवाजी का और इस ऑफर का, हमेशा हमारे साथ जब जब भी हमने इन्हें पुकारा है कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, हमारे चैनल के लिए हमेशा आगे रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे और भी आगे रहेंगे। जिक्र किया आई साहब ने, हमारे CEO अली गोडल साहब की वालदा अलील हैं,
तो दुआ कीजिएगा इस रमज़ान के वसीले से अल्लाह पाक इनका साया तादेर इन पर और हम सब पर कायम और दायम रखे, उन्हें सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। भाई साहब आखिर में बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ वक्त गुजारने के लिए, और इफ्तार के इस मौके पर आपका हमारे साथ रहना मैंने पहले ही कहा हमारे लिए बड़ी खुशी और बायस इफ्तिखार है। आपका बहुत शुक्रिया यासीन सिद्दीक दीनी साहब, आपसे मुलाकात हुई बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह आगे भी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। नज़मत है मेहमान के साथ आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में एक बार फिर नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा।